अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ। बड़ी तेज़ गर्मी और धूप है और आप मेरे पीछे देखें, यहाँ पर हम बना रहे हैं पाकिस्तान सस्टेनेबिलिटी वीक। इट्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू द सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, और इसमें सोलर के भी प्रोजेक्ट्स हैं। और हम अंदर जाके आपको कुछ व्यूज़ दिखाते हैं यहाँ की एक्सपो के, एग्जीबिशंस के और एक्टिविटीज़ के। तो टेक अ लुक एंड दिस इवेंट इज़ फ्रॉम फैक्ट। इस वक्त एग्जीबिशन में, एक्सपो में जो है, यहाँ पर AGS की पूरी टीम मौजूद है जो गाड़ियों को फ्री इंस्पेक्शन दे रही है और उनको सुविनियर्स भी दे रही है। टेक अ लुक ऑन दिस एक्टिविटी, इट्स रियली रियली वेरी नाइस एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये यहाँ पे AGS की टीम है जो गाड़ियों को इंस्पेक्ट कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। सर क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या चेक कर रहे हैं? सर हम गाड़ी के फ्री मेंटेनेंस चेक कर रहे हैं। ओके, ये इस एग्जीबिशन के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो रही है कि जी अभी हम पार्किंग पे आए और यहाँ पर AGS की जो पूरी टीम है यहाँ मौजूद है, बाकायदा इसको चेक कर रहे हैं। ये हमारे काशी भाई हैं, इनको सोवेनियर गिफ्ट किया जा रहा है एटलस बैटरी की तरफ से। पूरी एड्रेस सर गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो बड़ा अच्छा है, इन्होंने AGS वालों ने सेटअप किया। आजकल इस काम के भी काफ़ी अच्छे चार्जेस कर देते हैं मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस इस तरह के मार्केट में बैठे हुए हैं, लेकिन ये कि बहुत अच्छा एक सर्विसेज दे रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे और भी गाड़ियाँ हैं और पूरी AGS की टीम ने इन गाड़ियों को घेरा हुआ है और उन सबको जो है फ्री इंस्पेक्शन का काम दे रहे हैं। सफाई कर ले विजिटर्स कार्ड और बड़े बड़े मेरे बिखरे हुए और भी विजिटर्स कार्ड हैं। बड़ी बुरी हालत हुई है सब मेरी। खैर अभी मैं थोड़ा सा अपना सेट करता हूँ और फिर अंदर एक्सीबिशन की कुछ एक्टिविटीज़ में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे में फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी ये निकॉन कंपनी है, जैपनीज कंपनी, इसका भी यहाँ पर स्टॉल है। चाइनीज बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि किस तरह से आप अल्टरनेटिव जो एनर्जी के जो सॉल्यूशंस हैं, जिनमें सोलर के सॉल्यूशंस आ गए हैं, विंड सॉल्यूशंस आ गए हैं, उनको कैसे आपने इस्तेमाल करना है। रिसाइकलिंग के जो मैटर्स हैं उनके भी मामला जो है सस्टेनेबिलिटी का हिस्सा है। और साथ साथ आप कह रहे हैं कि जी जो आपका जो वेस्टेज है, प्लास्टिक वेस्टेज है, उसको आप किस तरह से दोबारा से जो है यूज़ कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो
तो इट्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू द सस्टेनेबिलिटी। इस वक्त हर जगह हम लोग एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं और इस वक्त जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, और साथ साथ जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके अल्टरनेट पे आप क्या चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उसका भी एक बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ है। और लेकिन इन चीज़ों को सामने रखते हुए उस वक्त हाईब्रिड टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हाईब्रिड जो मोटर बाइक्स हैं इनका कल्चर जो है इस वक्त कराची में बढ़ रहा है और इसकी तरफ लोगों का रिस्पॉन्स भी ज़्यादा जा रहा है। थोड़ा सा मुझे बताइए कि हम इस बाइक को क्यों प्रेफर करें, अगर नटशेल में थोड़ा सा मुझे बताएं। सर ये एक तो बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री बाइक है, फिर आपको जो पेट्रोल बाइक 10-12 रुपए फी किलोमीटर लग पड़ रही होती है ये 1 रुपया फी किलोमीटर पे आपको राइड देती है, फिर ये बड़ी एफर्टलेस राइड है, इसमें कोई फालतू गियर क्लच ये वाले सिस्टम्स नहीं है, तो आपको ये बड़ी एफर्टलेस राइड देती है और बड़ी स्मूथ राइड देती है। प्राइस क्या है इसकी? प्राइस ये डिफरेंट वेरिएंट है, 2 लाख रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक बाइक है, उसमें माइलेज का फ़र्क होता है, कुछ 70 किलोमीटर चलती हैं, कुछ 100 चलती हैं, कुछ 150 चलती हैं। एग्जीबिशन के अंदर मुझे काफ़ी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मिले हैं एनर्जी के, क्योंकि इस वक्त एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ रही है, और इस वक्त जैसे कि हमारे सामने सोलर के पैनल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और इन चीज़ों को अगर हम अडॉप्ट कर लें प्रॉपरली तो हमारे मुल्क के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकते हैं और वी कैन सस्टेन मोर।
ये रॉकेट चूल्हा क्या चीज़ है जी? रॉकेट चूल्हा ये बायोमास से चलता है, आजकल गैस होती नहीं है और घरों में नाश्ता मिलता नहीं है, जिसकी वजह से गैस की परेशानी ख़त्म और खाना बनाए और जिंदगी आसान बनाए। ये बायोमास से चलेगा, इसको फिल करेंगे। बायोमास क्या चीज़ होती है? ये वुड पैलेट है, सॉडर से बनता है, ये वुड पैलेट है ये। अच्छा ठीक है, इसको इसके अंदर फिल करेंगे और थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालेंगे, लाइटर से आग जलाएंगे, ये चलना शुरू हो जाएगा। खाना बनाए, बिरयानी बनाए, पाए बनाए, जो मर्जी बनाने की इजाज़त तो नहीं होगी ना यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे इजाज़त नहीं, यहाँ देखने की समझने की इजाज़त है। ये रॉकेट चूल्हा मुझे वाकई में बहुत खूबसूरत लगा है, बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि इसकी शक्ल रॉकेट जैसी है, लेकिन यह ये चूल्हा। और जैसे कि इस वक्त गैस क्राइसिस वक्त कराची में हम लोग फेस कर रहे हैं, पूरे मुल्क में हम लोग फेस कर रहे हैं, और गैस की लोड शेडिंग का जो सामना है, तो उस वक्त ये एक अल्टरनेट सोल्यूशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉर टू इन टर्म्स ऑफ टू सस्टेन योर सेल्फ इन योर लाइफ, तो आपको कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन लेने हैं, और ये वो सोल्यूशन है अल्टरनेट सोल्यूशन जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। स्लोगन बड़ा मशहूर है जिसको कहते हैं क्लीन ग्रीन कराची, और क्लीन ग्रीन कराची पे इस वक्त बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, और जैसा कि इस वक्त कराची जो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लेकिन यहाँ पर ग्रीनरी और दरख्त इन चीज़ों की बहुत कमी है, और दूसरी चीज़ सफाई। तो इन चीज़ों को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, आप अपनी एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके मुख्तलिफ सोल्यूशन हैं, फिर उसकी सफाई के क्या मामला हैं, जो आपका गार्बेज उसको कितना परसेंट आप रिसाइकल कर सकते हैं। जब इन चीज़ों के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, तभी जाकर आप क्लीन क्लीन कराची को फॉलो कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से इस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग ने जो हमें इम्पैक्ट दिया है कराची वालों को, और उस वक्त पंखे और पंखों के अल्टरनेटिव्स और एसी के अल्टरनेटिव्स, क्योंकि एक तरफ तो बिल महंगा आ रहा है बिजली का, दूसरी तरफ आप एसी को अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे वक्त में आपको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो आपके घर को ठंडा कर सके, आपके दिमाग को भी ठंडा कर सके। तो ऐसे वक्त में यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि पंखों के और एसी के अल्टरनेटिव्स को भी जो है उनके भी सॉल्यूशंस दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
कुछ बताएंगे क्या अल्टरनेट सॉल्यूशंस दे रहे हैं आप लोग इस वक्त, जो बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और ये सब चीज़ें, उनको किस तरह से हम उनका सामना करें? सर ये जो फैन है ये एसीडीसी फैन है खुर्शीद के, और ये कम वाट के, 50 वाट के। अमूमन जो घरों में फैन लगे हुए होते हैं ना वो 120 वाट के होते हैं। अच्छा, और ये जो है वो एक लगाएंगे आप, जो बिजली एक खाता है ये दो लगाएंगे आप। ओके, इस तरह से फ़र्क आ जाते हैं बिल के अंदर, जहाँ आपके जो है बचत हो जाती है, इसके पैसे भी आपके 8 से 9 महीने में पूरे हो जाते हैं फैन के। एग्जीबिशन जिसमें पाकिस्तान सस्टेनेबिलिटी वीक बनाया गया है और डिफरेंट कंपनीज ने, नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, और इसी तरह का मज़ेदार कंटेंट के लिए, इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए देखते रहिए BAMTV.PK। अल्लाह bad.